हेलो एंड वेलकम टू भिजन बायोमानिया। आज रही क्लास रे आमे यूकैरियोटिक सेल विषय डिटेल्स डिस्कस करथिले। आ प्रत्येक सेल ऑर्गेनेल विषय रे आमे प्रत्येक क्लास रे गोटे गोटे क्लास रे देखिबा, ठीक अछि। जेमिति कि तुमको एटा स्ट्रक्चर ऑफ आमे कोन देखु चंती ना, स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। एटा गोटे यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक आमे कहउ चंती माने ता पाखरे कोन अछि ना, तमरो गोटे न्यूक्लियस प्रेजेंट अछि, बुझला। तो ता पाखरे गोटे न्यूक्लियस जेहेतु प्रेजेंट अछि आमे ताको यूकैरियोटिक सेल्स बोल के कहउ चंती। आउ ए जो न्यूक्लियस रहिला, ठीक अच्छे, ये जो न्यूक्लियस रहला दैट इज द मेम्ब्रेन बाउंड, और तार भितर तुम जेनेटिक मैटेरियल, हेरिडिटरी मैटेरियल, न्योस्टी आम जो कौन न्यूक्लियस न्योस्टी आउ नी न्योस्टी, न्यूक्लियर लॉस बोल के कह जोटा कि नी न्योस्टी, ये सब जिन प्रेजेंट अच्छे। आ सब इंपोर्टेंट जिनस हो तो दैट इज कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कौन अच्छे ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अच्छे, से प्लांट सेल हो बा एनिमल सेल हो बा तुमर फंगस सेल्स हो, तो सेल इज कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल मानकर केवल आउटर कवरिंग माने तापर आउ किछि जिनस नाही, किंतु प्लांट मानकर कोन अछि प्लाज्मा मेम्ब्रेन परे माने बाहर पट को सेल वाल अछि, बुझिला। तेणुकर आज आमर जो डिस्कशन टॉपिक रहिला दैट विल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आम प्लाज्मा मेम्ब्रेन विषय डिस्कशन करवा, बुझेगा। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जोटा कि सेल को गोटे बाउंड्री प्रोभाइड करुच्चे, आउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आम जानदबा कौन ना, ये गोटे सेल रहिला आउ गोटे सेल रहिला माने आम डिस्टिंग्विश कर पारुछंती। जेंति घरे गोटे रूम आ गोटे रूम सब कांथ रहिला ना, हैला, तो एक्जाक्टली गोटे सेल को आउ गोटे सेल पाखु अलग करवा, आ सेल को तार एनवायरमेंट, कहीं सेल सेम दिन तो पूरा ड्राए एनवायरमेंट रही भी किसी फ्लुइड था, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड बोल के कहते ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड। अच्छा, तो ये आम जो जिनस देखुं प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो मेन जिनस होता है। अच्छा, तुम्हें कह जमी घर आम बाउंड्री थाए तो ये सब सेलुलर सेल्र गोटे बाउंड्री रहा, तो किंतु तुम माइंड रे रखी नियो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन हुए ना, एमती ओपन हो जाऊ पुणी सिल हो क्लोज हो, कहीं ना सेल भितर को आमको जिनस नबार अच्छे। सेल रु तुमको मुझे कही माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हें पढ़ी थो, पावर हाउस ऑफ द सेल, कहीं ना एटीपी एटी तैयारी हुए, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी तैयारी हुए, से शक्ति केन्द्र बोल के कहते। तो जब एटीपी तैयारी हो गला बॉडी कौन सी काम पाई एटीपी तो बाहर को आसो ना ना, बुझेगा। तो ये बाउंड्री दे कि जीवा आसवा भी चलुचे, कौ बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन देके, हैला। किंतु सेल मेम्ब्रेन जो रहिला तार नेचर आम बुझा सेमती नुह कि जहाँ को पारे ताको एंट्री करदेव, जहाँ को पारे ताको एग्जिट करदेव, हैला, भितर को एंट्री करवा बाहर को बाहर करवा, दैट विल कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बुझेगा। अच्छा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मुझे आशा करुँ कि तुमको ता फंक्शंस कौन जना पड़ी आ के गोटे मानने प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो टर्म आम यूज करवा दैट इज द डायनामिक इन नेचर, डायनामिक 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 इन नेचर माने स्टेबल नुह, चेंज हो थाए, बुझेगा, चेंज हो थाए। अच्छा, तेणुकर यहाँ डायनामिक इन नेचर बोल के आम देखा, है। सो देख प्लाज्मा मेम्ब्रेन विषय में, सेल मेम्ब्रेन ताको कहती सेल्लो से आउटर, आ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आम कहते प्लाज्मा माने कि गोटे एमती जिनस जोटा कि ना तो पूरा पानी भाया मानने ये नाव कि पूरा सॉलिड भी नुह, बुझेगा, फ्लुइड नेचर थाए। आम जो सेल हैला, एटा जो सेल तुम देखु ए जो सेल ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म्स हैला, ए जो एगुडा सब आम साइटोप्लाज्म्स कहते सेल ऑर्गेनेल्स, ये न्यूक्लियस रहिला, न्यूक्लियस भितर जो फ्लुइड थाए आम न्यूक्लियोप्लाज्म्स बोल के कहते, हैला, ये सब मिसीगले आम प्रोटोप्लाज्म्स बोल के कहते, बुझेगा, सब मिसीगले आम से कह प्रोटोप्लाज्म्स केमती ना देख माने साइटोप्लाज्म्स सेल भितर जोटा रहिला जहाँ रहिला ताको आम साइटोप्लाज्म्स कहले, साइटोप्लाज्म्स साइटोप्लाज्म्स मु कहूँ माने जो फ्लुइड किसी फ्लुइड थी जो फ्लुइड गुड़ा भी तुम कौदे तैयारी थी ना कि वाटर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट यू मिसिक है फ्लुइड प्लस सेल ऑर्गेनेल्स माने माइटोकॉन्ड्रिया गल्गी बुझेगा माइटोकॉन्ड्रिया गल्गी राइबोसोम लाइसोसोम सब मिसिक प्लस न्यूक्लियस भितर माने न्यूक्लियस कहले न्यूक्लियस फ्लुइड थी न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस जेनेटिक मटेरियल बुझेगा जेनेटिक मटेरियल माने ये था तुम जो क्रोमोजोम न्यूक्लियस ये सब जिन दीटा जिनस मिसीगला आम यहाँ को कहते प्रोटोप्लाज्म टर्म गुड़ा टिके टिके माने जान थी प्रोटोप्लाज्म्स बोल के कहते तो प्रोटोप्लाज्म्स को जी कवर कर रखुची ताको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल के कह तो सी जो प्लाज्म वार्ड रू आ मैंने
ଯେମିତି ଜେଲ୍ ଥାଏ ନା, ଜେଲ୍ ଚୁଟିରେ ଲଗାନ୍ତି ଜେଲ୍, ଯେମିତି ତମେ ଜାଣିଥିବ ନା, ତ ସଲିଡ୍ ନା ତ ଲିକ୍ୱିଡ୍, ବୁଝିହେଲା, ସେମି ସଲିଡ୍ ଭଳିଆ ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲାଜମା ୱାର୍ଡ ସେଇଠି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ବୁଝିହେଲା। ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ସେଲ୍ର ସେଲ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ତମେ କହିକି ପଢ଼ିଥିବ, ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍କୁ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି କହିକିନା ପଢ଼ିଥିବ, ବୁଝିହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ନେଚର୍ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ତମକୁ କହୁଥିଲି କି ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା 1665ରେ, ଇଏ ଆମକୁ ଜଣାନଥିଲା କି ଲିଭିଙ୍ଗ୍ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି। ତ ରବର୍ଟ ହୁକ୍ ଆସିକି ବତେଇଲେ କି ହଁ ସେଲ୍ରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ତ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେଲ୍, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ର ମାନେ ଖୋଜ ମାନେ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଡିସ୍କଭରି ହେଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ଲୋକ ବତେଇଦେଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି ବହୁ ଜିନିଷ, ସେଲ୍ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ନୁହେଁ, ସେଲ୍ ଭିତରେ ବି ବହୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ତ ସବୁଠୁ ବାହାର ଜିନିଷଟା ଆମେ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଏବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଦେଖିବା, ତ ହେଡ଼ିଂ ଦିଅ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ତାକୁ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବୋଲିକି ବି କହନ୍ତି, ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତ ଇଏ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା, ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଅପ୍ ଅଫ୍ ଫସ୍ଫୋଲିପିଡ୍ ବାଇଲେୟର, ମାନେ ଏଭଳିଆ ଲିପିଡ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ କରିବା, ହେଲା। ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛି ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ହେଡ଼୍, ମାନେ ଗୋଟେ ସର୍କଲ୍ ଚିତ୍ର କରିବ, ଆଉ ଦୁଇଟା ତା'ର ଟେଲ୍ ଲଗାଇବ। ତ ଇଏ ଲିପିଡ୍ ବାଇଲେୟର୍ରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ହେଲା। ଦୁଇଟା ଲେୟର୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଲିପିଡ୍ର ଅଛି ଏଭଳିଆ ଏଭଳିଆ, ହେଲା। ମାନେ ଲିପିଡ୍ ବୁଝିପାରୁଛୁ, ତ ତେଲ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଲିପିଡ୍ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ତମେ ପୃଷ୍ଟିସାର, ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହ ସାର ପଡ଼ିଥିବ, ଲିପିଡ଼ଟା ହେଉଛି ସ୍ନେହ ସାର, ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଫସ୍ଫୋ ଲିପିଡ୍ ବାଇଲେୟର୍ରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ତ ତମକୁ ଏତିକି ହିଁ ବନେଇବାର ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼କୁ ବଙ୍କା କରୁଛି କାହିଁକି, ଛୋଟା ନୁହେଁ ଇଏ, ଆଗେ ଜାଣିବା, ହେଲା, ଆଗକୁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା, ଫସ୍ଫୋ ଲିପିଡ୍, ମାନେ ଏମିତି ଲିପିଡ୍ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଡ୍ ହେଇଥିବ। ତମେ ଫସ୍ଫେଟ୍ ପଡ଼ିଥିବ ନା, ହେଲା, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ହିଲିୟମ୍, ଲିଥିୟମ୍, ବେରିଲିୟମ୍, ବୋରମ୍, ଯେଉଁ ପିରିଓଡିକ୍ ଟେବୁଲ୍ରେ, ତ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଗୋଟେ ଥିବ ପଡ଼ିଛ, ତ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ନେହସାର ଜିନିଷ, ତା ଦେହରେ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଡ୍ ହେଇଛି, ବୁଝିହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଲିପିଡ୍ ମଝିରେ ମଝିରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିଛି ପ୍ରୋଟିନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବ, ଏ ରେଡ୍ କଲର୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏଭଳିଆ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବେ, ଖାଲି ଉପରେ ଉପରେ ଏମିତି ଏମିତି ଥିବେ, ହେଲା। ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋଟିନ୍ କ'ଣ କରିଥିବେ, ପୁରା ଏଭଳିଆ ଏପଟ ଏପଟ ଲେୟର୍ରୁ ସେପଟ ଲେୟର୍କୁ କ୍ରସ୍ କରିଯାଇଥିବେ, ଏ ରେଡ୍ କଲର୍ରେ ଯେଉଁଟା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଲା ପ୍ରୋଟିନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ଲୁ କଲର୍ରେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଲିପିଡ଼, ଫସ୍ଫୋଲିପିଡ଼, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରୋଟିନ୍ ବାଇ ଲେୟର୍, ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଲେୟର୍ ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଲେୟର୍, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଫସ୍ଫୋଲିପିଡ଼ ବାଇ ଲେୟର୍, ଦୁଇଟା ଲେୟର୍, ବାଇ ମାନେ ଦୁଇଟା, ପ୍ରୋଟିନ୍ ହେଇଗଲା। ପ୍ରୋଟିନ୍ ବି ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅଛି, ଗୋଟେ ଏକଦମ୍ କ୍ରସ୍ କରୁଛି ଏପଟ ଲେୟର୍ରୁ ସେପଟ ଲେୟର୍କୁ, ଦୁଇପଟ ଲେୟର୍କୁ କ୍ରସ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ। ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଟ୍ରାଞ୍ଜିକ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ରହିଲା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଟ୍ରାଞ୍ଜିକ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଇନ୍ଟ୍ରାଞ୍ଜିକ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ରହିଛି ଉପରେ ଉପରେ ଏଗୁଡ଼ା, ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ରହିଲା ଆକୁ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରାଞ୍ଜିକ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବୋଲିକି କହିବା। ଉପରେ ଉପରେ ଅଛି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ସର୍ଫେସ୍ରେ ଅଛି, ମାନେ ବାହାର ପଟରେ ଅଛି, ଏକ୍ସଟ୍ରାଞ୍ଜିକ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବୋଲିକି କହିବା, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ, ଏକ୍ସଟ୍ରାଞ୍ଜିକ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଟ୍ରାଞ୍ଜିକ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍, ବୁଝିହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ସୋ ଦେଖିନିଅ, ତାହେଲେ ନୋଟ୍ସ ଟିକେ ଦେଖିନିଅ, ଦେଖ। ସୋ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆଉଟର୍ ମୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ଲି ଡେଲିକେଟ୍ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ମେମ୍ବ୍ରାନିୟସ୍ କଭରିଂ ଅଫ୍ ଦ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ଲି ଡେଲିକେଟ୍, ମାନେ ତିଆରି ହେଇଯାଉଥିବ, ଭାଙ୍ଗିଥିବ ପୁଣି, ହେଲା, ଏଭଳିଆ ଥାଏ, ବହୁତ ଡେଲିକେଟ୍ ଜିନିଷ ହେଲେ। ଇଟ୍ ସେପରେଟ୍ସ ଦ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ରମ୍ ଇଟ୍ସ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା କରାଇଦେଉଛି, ସେଲ୍ ରହିଲା ସେଲ୍, ଆଉ ତା'ର ଏଇ ଯେଉଁ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ସହିତ ସେଲ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା କରୁଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି, ସେମିତି ନୁହେଁ କି ଯିଏ ପାରି ସିଏ ବାହାରକୁ ପଳେଇବେ, ଯିଏ ପାରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବ, ନାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ। ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଇ ଲିଭିଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, ମାନେ ଏଇଟା ତିଆରି ହେବ, ଆକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏନର୍ଜି ଦରକାର, ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ଲି ପର୍ମେବୁଲ, ମୁଁ କହିଥିଲି ନା, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲାଉ କରିବନି, ଯାହାଟା ଦରକାର ଅଛି ତାକୁ କରିବ, ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ଲି ପର୍ମେବୁଲ, ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ବି ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ଆସେ, ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଇଜ୍ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ଲି ପର୍ମେବୁଲ, ସେମି ପର୍ମିଏବୁଲ, ଇମ୍ପର୍ମିଏବୁଲ, ହେଲା, ଯେଉଁ ପର୍ମିଟ୍ ପର୍ମିଏବୁଲ ଟର୍ମ ଆସୁଛି, ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ଲି ପର୍ମିଏବୁଲ ମନେ ରଖିଥିବ, ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ଲି ପର୍ମିଏବୁଲ, ପର୍ମିଟ୍ କରନା, ପର୍ମିସନ, ପର୍ମିସନ୍ ଦେବା ଆମେ ଯେଉଁଟାକି କହୁଛନ୍ତି, ପର୍ମିଏବୁଲ ମାନେ ଆଲାଉ କରିବ, ଯେମିତି ପର୍ମିସନ୍ କହିଲେ ପର୍ମିସନ୍, କ୍ଲାସ୍କୁ ପର୍ମିସନ୍ ନେଇକି ଆସିବ, ପଢ଼ିନଥିବ କି।
तो ये सिलेक्ट जहाँ दरकार पड़ो सेल भितर को छाड़ सेलु जोड़ा दरकार नहीं बाहर को बाहर कर करदेव जो रिक्वायरमेंट जिन थे नुह कि समस्त भितर को छाड़द समस्त करमती नुह है। अच्छा तो सिलेक्टिवली परमेबल मन रखे ये स्टेटमेंटा सो दुटा इंपोर्टेंट अच्छे सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन भितर को एंड आउट ऑफ द सेल ये रेगुलेट करुच्छे कि आसब कि आसबन बुझेगा। अच्छा एबे हम देखिबा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देखिबा कौन बताऊँ द मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बायलेयर बर्तन कहली दुटा लेयर लिपिड तैयारी होता है यहाँ आम पढ़ले ये गोटे लेयर यहाँ पढ़ला और ये गोटे लेयर पढ़ले ना ना है। अच्छा तो देखने लिपिड बायलेयर या मुंड उड़ीगला है। अच्छा लिपिड बायलेयर या सॉरी नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए कौन प्रोटीन्स आर एम्बेडेड तो प्रोटीन गुड़ा ता भितर बुड़ी अच्छा एम्बेडेड माने ता भितर डुबिकी बुड़ी अच्छा तो लिपिड बायलेयर विषय आम डिस्कशन करना। लिपिड इज ए फॉस्फोलिपिड एंड ईच मॉलिक्यूल हाज ए पोलार हेड जो लिपिड आम देखुले से लिपिड गुड़ाकर स्ट्रक्चर टिके देखनवा ठीक अच्छे। अच्छा तो लिपिड ये आम देखे तो यही स्ट्रक्चर मुझे बनाऊँची यही मुझे बनाऊँची है। अच्छा यही पार्टा को आम हेड बोल के कहवा आ दीजन को आम टेल बोल के कहवा ठीक अच्छे। ये हेड रे कौन अच्छे ना फॉस्फेट ग्रुप आड अच्छे आई हेडटा हूँ पोलार पोलार माने वाटर सहित अटाच हो पार वाटर लविंग माने हाइड्रोफिलिक तुम्हें कहींपर हाइड्रो माने वाटर हाइड्रोजेन आम पढ़ चुना एच टू अच्छे फिलिक PHIL हाइड्रोफिलिक है ना ये जो स्टेटमेंट गुटे ना परीक्षा रे क्वेश्चन आसे हेडटा तर पोलार बा नॉन पोलार हाइड्रोफिलिक और फोबिक देख हाइड्रोफिलिक टर्म आसला ठीक है दुटा टर्म देखीद गोटे हाइड्रो हाइड्रो तो पानी पाई कि लगला जब जितेबाला फिलिक आसब फिलिक आ गए सेमती हाइड्रो फोबिक फोबिक ठीक अच्छे जैसे फिलिक PHI एल आई एल आसूसी तमें लव से पानी सहित लव ये एच आसोबिक रे हेड एच फॉर हेड लव आउ हेड तो बुझु थोड़ा सिंपल इंग्लीश तेणुक तार जो हेड रहिला सी पानी सहित अटाच हो पार हाइड्रोफिलिक अच्छे कि टेल रहिला से हूँ हाइड्रोफोबिक आउ नॉन पोलार तुम कह पानी सहित से मिसिया को चाहिबो नाही बुझेगा ये जिनस। अच्छा तो तापर आम देखा कौन नेक्स्ट देख तो जेहेतु सी पानी सहित तो, आम जब गोटे सेल स्ट्रक्चर को देखा यही भितर तुम साइटोप्लाजम्स रोचे साइटोप्लाजम्स माने कौन फ्लुइड इन नेचर यही भितर भी पानी रोचे जोटा वाटर आम कौन यही भितर भी साइटोप्लाजम्स रोचे ठीक अच्छे। अच्छा सेल बाहर यही जो जगार एक्सट्रा सेलुलर फ्लुइड जो अच्छी ECF तो यही भी वाटर रोचे से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बायलेयर रे बनई दीजिए कहीं पटटा तो वाटर कंटाक्ट आसो जी सिंगल लेयर होता कौन होता तो तार टेलटा पुणी भी वाटर कंटाक्ट पलि आसता सेल भितर भी पा अच्छे बाहर भी पा अच्छे तो से कौन कर दुटा लेयर निजक बनने ला तो सो दैट कौन हो कि सपोज यहाँ बाहर पट सेल बोल कि तुम भाव तो ये तो वाटर सहित मिसी पार कि प्रॉब्लम ना ये जो एक्सट्रा सेलुलर फ्लुइड अच्छी तहत अटाच हो कि असुविधा ना किंतु ये आम जब देखा कौन ठीक मानने भितरपट कथा फोकस कर है भितरपट भितर भी से हेड रखेदेला है भितर भी एपटा धर यू आम भाव गोटे सेल बोल कि सेल है यहाँ दिए कर नवा पूराटा एमती स्ट्रक्चर कर मुझे खाली देखेदेली है तो सब गुड़ा ये भाया स्ट्रक्चर कर चलो है आशा कर तुम जापार विजुअलाइज कर तेणुक ये भी साइटोप्लाज्म रहा न्यूक्लियस रहा साइटोप्लाज्म रहा तो जो फॉस्फोलिपिड जो टेल दिजन जाक मझे रहीगले कोर तैयारी करदे आउ हेड एपट हेड रहा ये भी वाटर कंटाक्ट आसपार एपट हेड भी रहा ये भी वाटर कंटाक्ट आसपार बुझीगला। अच्छा तो आम जदि देखा से जिनस से कहे हेड रिजन्स आर जो रहा फॉस्फोलिपिड पोलार हेड एंड मॉलिक्यूल हाज ए पोलार हेड रीजन एंड नॉन पोलार टेल रीजन एबे बुझी पाला ना नहीं तो तार जो हेड रहिला सेडा को हमें पोलार बोल के कहउचंदी एठी तुमको बताई थी पोलार हेड एंड नॉन पोलार टेल ए जिनसटा को भी टिके ध्यान दबो एठी पोलार हेड हेड रहिला हेड होची पोलार
पोलार हेड जो लिख वाटर लविंग आ टेल हूँ नन पोलार है टेल हूँ नन पोलार हाइड्रोफोबिक सी निजुक वाटर ठार बचिक रखा चाहिए कहीं ये पर्टिकुलर रिजन से तो कौन सी वाटर कंटाक्टर आसुनी ना तो जो हेड मैंने रही से माने वाटर कंटाक्टर आसुक यही जिनस जो टर्म अच्छी पोलार आ नन पोलार युटा बुझ पोलार मैंने येस मैंने वाटर सहित कंटाक्ट आसपार नन पोलार मैंने आसपार ना तो सी से निजर व्यवस्था कर रखी आ अच्छा दो हेड पोर्सनस गोटे कौन अच्छे वाटर फियरिंग ये जो जिन कहली लिखाई ता सहित कौन थाए कि ग्लाइकोलिपिड थाए ग्लाइको मैंने कार्बोहाइड्रेट लिपिड सहित किसी कार्बोहाइड्रेट आटाच होना थी कार्बोहाइड्रेटा केवल बाहर सरफेस थी बुझीला तो अच्छा तो आ प्रोटीन आम देखले कि प्रोटीनस था पूरा पेरिफेराल प्रोटीन बोल कहते एक्सट्रेंजिक प्रोटीन कहती आगे कि इंट्रांजिक प्रोटीन था जो भितर मानने बुड़ी एपट सेपट इंटीग्राल प्रोटीन बोल कहती और इंट्रांजिक प्रोटीन बोल कहते बुझेगा अच्छा तो ये रहा तार गोटे बेसिक स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तुम ये जानी था है अच्छा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये जो मॉडल अच्छी फ्लूइड मोजाइक मॉडल जोड़ा परीक्षा आसे बहुत सारा मॉडल अच्छी तो प्रथम लोक भावुले कि हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन खाली गोटे लेयर तैयारी हो तो डिस्क्राइब करने कि सब बहुत सारा मॉडल था गोटे बेस्ट मॉडल है सिंगर एंड निकलसन्स मॉडल था तो आम फ्लूइड मोजाइक मॉडल बोल के कहते सिंगर एंड निकलसन्स जो स्ट्रक्चरटा मुझे कहली तुमको सेमती तैयारी तो मेम्ब्रेन हूँ फ्लूइड नेचर अच्छी मानते भिस्कस अच्छी मानते जेली भाया ना तो पूरा पा ना तो पूरा सॉलिड सेम नुह मझा मझी रोचे ऑलवेज मोशन स्टेज रे था ये मोजाइक मॉडल मुझे तुमको बती दूँ सो दैट तुम जापर हैला अच्छा तुमको जमी कहूली ये तो ये प्रोटीन दी प्रकार रहा आए कहूँ प्रोटीन सहित भी कौन अच्छी ना कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट था कौन था ना कार्बोहाइड्रेट ठीक है एमती कार्बोहाइड्रेट का सहित लिपिड सहित आटाच होते ग्लाइकोलिपिड बोल के कहते ग्लाइकोलिपिड मैंने ग्लाइको मैंने कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड है अच्छा तो जो स्ट्रक्चर देखा कौन ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन केमती या ये गोटे सेल स्ट्रक्चर आम देखु अच्छा तो आम जब देखा प्रोटीन कौन हो कि प्रोटीन एमती बाहर अच्छा आम पेरिफेराल प्रोटीन कहवा एक्सट्रांजिक प्रोटीन बोल के कह पेरिफेराल और एक्सट्रांजिक प्रोटीन कहवा बुझ तो आउ किसी प्रोटीन पूरा दी पट को क्रॉस करी गले हैला तक हम इंट्रांजिक प्रोटीन बा इंट्रांजिक प्रोटीन इंटीग्राल प्रोटीन बा इंट्रांजिक प्रोटीन भी कही पार एटा को जेंती पेरिफेराल कहच हेटा को इंटीग्राल प्रोटीन कहवा आउ किसी कार्बोहाइड्रेट कौन कर लगिक रही ग्लाइको लिपिड बोल के कहते ग्लाइकोलिपिड ठीक अच्छे अच्छा ये होगा स्ट्रक्चर तो कालीर क्लास आम देखा फ्लूइड मोजाइक मॉडल सी एक्चुअली कौन कहते ये जिनसटा से कमी डिस्क्राइब करते आशा करुच्चे आज तुमको ये स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जना पड़ फ्लूइड मोजाइक मॉडल को सिंगर एंड निकलसन्स देते बस से आ कि ना से जिन बतईते कि हाँ केमी ए स्ट्रक्चरटा से डिस्कवर करते से विषय में डिस्कस करवा तो आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ये रहा नेक्स्ट क्लास में आम तरह फंक्शन विषय भी देखा सो थैंक यू।